दोस्तों आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में। और आज हम बात करने वाले हैं टॉप 10 मिस्ट्री थ्रिलर मूवीज़ के बारे में, बिल्कुल भी नहीं। जी हाँ, आपने सही सुना, आज हम टॉप 10 मिस्ट्री थ्रिलर के बारे में बात नहीं करने वाले, हम आज बात करने वाले हैं टॉप 12 मिस्ट्री थ्रिलर मूवीज़ के बारे में। मतलब आप लोगों ने मेरा दिल जीत लिया, क्योंकि पिछले वीडियो में मैंने आपसे कहा था कि मुझे 200 लाइक चाहिए और मुझे 200 लाइक मिल गए, मतलब इतनी खुशी। खैर, ये तो थी मेरी नौटंकी। और अब आते हैं इस वीडियो के मुख्य मुद्दे पर। पहली चीज़ मैं आपको बता दूं, इस वीडियो में मैंने कुछ मिस्ट्री मूवीज़ रखी हैं, कुछ थ्रिलर मूवीज़ रखी हैं और कुछ मिस्ट्री थ्रिलर मूवीज़ रखी हैं। सभी का कॉलेज आपको इस वीडियो में मिलेगा। साथ में एक बात और बता दूं, ये मूवीज़ सभी वो मूवीज़ हैं जिनका मैंने अभी तक आपको जिक्र नहीं किया, यानी अभी तक मैंने कोई भी ऐसी फिल्म जो आपको सजेस्ट नहीं की है, मैंने कोशिश की है कि वो सभी फिल्में इसमें रखूँ, ताकि आप कुछ नई फिल्मों के बारे में जान सकें। इसी के साथ मेरी इस वीडियो को बनाने में कई लोगों ने हेल्प की है, क्योंकि कमेंट बॉक्स में मुझे बहुत से लोगों ने कमेंट करके सजेस्ट की थी कुछ अच्छी फिल्में जिन्हें मैंने देखी और उसके बाद ये वीडियो बना रहा हूँ। तो बस ज़्यादा वक्त ना लेते हुए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो नंबर एक पर जो मूवी आने वाली है वो बहुत ही शानदार और लाजवाब मूवी है। इसे हमें सजेस्ट किया था कमेंट बॉक्स में एक यूज़र ने, जो थे प्रीति के दीवाने, मतलब कबीर सिंह। नहीं, ये कबीर सिंह नहीं, ये कबीर सिंह। नंबर एक पर आती है मूवी अंतर्युद्ध। अंतर्युद्ध एक तेलुगु भाषा में बनी हुई साइकोलॉजिकल मिस्ट्री थ्रिलर मूवी है, जिसे बाद में हिंदी में डब किया गया था। इस फिल्म को 2018 में रिलीज किया गया था और उसे डायरेक्ट किया था प्रशांत वर्मा ने। इस फिल्म में काजल अग्रवाल, निथ्या मैना और रेजिना का काम बेहद ही अच्छा है। आपको बता दें, इस फिल्म की लेंथ मात्र 110 मिनट की है। साथ में इस फिल्म को दो अलग अलग कैटेगरीज में नेशनल अवार्ड्स भी मिले हैं। बात करें इस फिल्म की कहानी की, तो इस फिल्म में कोई एक कहानी नहीं है, बहुत सारी खूबसूरत कहानियों का कॉलाज है जो अंत में एक साथ मिल जाती है। तो इस फिल्म की कहानी क्या है, कैसी है, ये सभी जानने के लिए आपको फिल्म को देखना पड़ेगा। ये फिल्म स्पेशली उन लोगों के लिए है जिन्हें रत्सासन जैसी मूवीज़ बेहद पसंद आती है। अगर बात करें IMDb रेटिंग की, तो इस फिल्म को IMDb पर 7.8 आउट ऑफ 10 स्टार्स की अच्छी और शानदार रेटिंग मिली है। अब नंबर दो पर आती है मूवी इत्तेफाक। इत्तेफाक मूवी 1969 में रिलीज़ की गई थी। ये नई इत्तेफाक बिल्कुल नहीं है, ये पुरानी इत्तेफाक है जो ओरिजिनल वर्शन है। बाद में इस फिल्म को कॉपी किया गया था और बाद में इसका रीमेक बनाया गया था, जो आप सभी जानते हैं। आपको बता दें, एक बहुत ही कमाल की फिल्म है जिसे यश चोपड़ा के द्वारा डायरेक्ट किया गया था। आपको बता दें, इस फिल्म में हमारे बॉलीवुड के काका यानी राजेश खन्ना साहब मौजूद थे। ये एक बहुत ही कमाल की फिल्म है। और इस फिल्म की सबसे अनोखी बात यह है कि जिस वक्त बिना बॉलीवुड गानों की फिल्में चलती नहीं थी, इस फिल्म में एक भी गाना नहीं था और ये काफ़ी बड़ी सुपरहिट मूवी थी। आपको बता दें, इस फिल्म ने दो फिल्म फेयर अवार्ड और 3 नॉमिनेशन प्राप्त किए थे, उस वक्त जब फिल्मों में स्ट्रगल नहीं चलता था। आजकल तो भैया बहुत स्ट्रगल है। और बॉलीवुड के दीवानों को मैं पहले ही बता दूं, इस वीडियो में मैंने कहीं भी अनन्या पांडे का नाम नहीं लिया है। जी हाँ, मैंने कहीं भी अनन्या पांडे का नाम नहीं लिया है, इसलिए स्ट्रगल से उसे बिल्कुल ना जोड़ें, क्योंकि हम सभी जानते हैं उस लड़की ने बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया है और वो बहुत टैलेंटेड लड़की है, क्योंकि वो अपनी ज़ुबान से अपनी नाक छू सकती है। ठीक है, अब कोई भी नहीं बोलेगा। तो अब बॉलीवुड की घटिया बातों से ऊपर उठकर हम आते हैं इस मूवी के IMDb रेटिंग पर। तो इस फिल्म को IMDb पर 7.4 आउट ऑफ 10 स्टार्स की काफ़ी अच्छी रेटिंग दी गई थी। अब नंबर दो पर आती है मूवी पीहू। इस फिल्म को मुझे सजेस्ट किया गया था कमेंट बॉक्स में द बॉली बेस्ट के द्वारा, तो थैंक यू सो मच ब्रो इस फिल्म को सजेस्ट करने के लिए। अब आते हैं पीहू मूवी पर। तो पीहू मूवी को 2018 में रिलीज़ किया गया था। ये एक ड्रामा थ्रिलर मूवी है जिसे डायरेक्ट किया था और लिखा था विनोद कापरी ने। इस फिल्म की कहानी एक छोटी बच्ची पीहू की है जो अपने घर के अपार्टमेंट में कैद हो जाती है, और फिर देखना ये होता है कि फिल्म में वो बचती कैसे है, वो कैसे कैसे चीज़ें देखती है, क्या क्या होता है उसके साथ। ये फिल्म इतनी अच्छी है कि जब आप इस फिल्म को देखेंगे तो बच्ची की मासूमियत और उसकी परफॉर्मेंस से आपका दिल पिघल जाएगा। आपको बता दें, इस फिल्म का डायरेक्शन जिन्होंने किया है वो खुद एक रिपोर्टर थे, और उन्होंने बहुत सारी घटनाएँ अपनी ज़िंदगी में देखी थी और उसके बाद सभी का मिश्रण बनाकर उन्होंने एक कहानी प्रेजेंट की है। अब बात करते हैं IMDb रेटिंग की। तो इस फिल्म को IMDb पर रेटिंग मिली है 6.7 आउट ऑफ 10 स्टार्स की। और अगर आपको अच्छी रेटिंग चाहिए तो आप IMDb को पैसे देकर इसकी रेटिंग बढ़वा भी सकते हैं। ये मैं नहीं कहता, ऐसे बहुत सारे फैक्ट कहते हैं, और इस बारे में अगर आपको कुछ भी गलत लगता है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अब नंबर चार पर आती है मूवी एक रुका हुआ फैसला। ये फिल्म 1986 यानी 1986 में रिलीज़ की गई थी। ये कल्ट क्लासिक ड्रामा मिस्ट्री थ्रिलर मूवी है जो आप सभी लोगों को देखनी चाहिए। इस फिल्म को डायरेक्ट किया था बसु चटर्जी ने। इस फिल्म की कहानी एक मर्डर केस के ऊपर आधारित है, जिसमें कुछ लोगों की एक पैनल बनाई जाती है और उन्हें फैसला करना होता है कि उस आदमी ने खून किया है या नहीं। इस फिल्म में अनु कपूर और पंकज कपूर का काम बेहद ही शानदार है, लेकिन पंकज कपूर साहब ने यह साबित कर दिया है कि उनकी एक्टिंग के बराबर एक्टिंग करना बहुत मुश्किल काम है। इस फिल्म को IMDb पर रेटिंग दी गई है 8.3 आउट ऑफ 10 स्टार्स की। नंबर पाँच पर आती है मूवी सोन चिड़िया। सोन चिड़िया इस फिल्म को 2019 में रिलीज़ किया गया था। ये एक क्राइम ड्रामा मिस्ट्री थ्रिलर मूवी है जो सुशांत सिंह राजपूत की वन ऑफ द बेस्ट मूवीज़ में से एक है।
इस फिल्म की मिस्ट्री इस फिल्म का वो पार्ट है जो आपको आपकी गलतियों का एहसास कराती है, यानी आपको वहाँ खड़ा कर देती है जहाँ आपको खुद से नजरें मिलानी पड़ती है। इस फिल्म में सुशांत सिंह राजपूत, रणवीर शौरी और आशुतोष राणा का काम बेहद ही लाजवाब है, मगर इस फिल्म में जो मनोज बाजपेयी ने कैमियो किया है, मतलब वो आपका दिल छू लेगा। इस फिल्म की कहानी बागी मान सिंह की है। उनकी मौत के बाद उनके गैंग का क्या हाल होता है इस फिल्म में बहुत अच्छी तरीके से दिखाया गया है और बताया गया है कि हर आदमी को अपनी सोन चिड़िया खुद ढूंढनी होती है। इस फिल्म को IMDb पर रेटिंग दी गई है 7.6/10 स्टार्स की। वैसे ये बात मुझे नहीं कहनी चाहिए, लेकिन इस फिल्म को आप लोगों ने बहुत ज़्यादा प्यार दिया था, क्योंकि जब ये फिल्म मैं देखने एक टॉकीज में गया था तो पूरा हॉल खचाखच भरा हुआ था खालीपन से। मैं और एक लास्ट में एक आदमी बैठा इस फिल्म को देख रहा था, और फिर हम कहते हैं कि सुशांत सिंह राजपूत ने गलत किया। हम क्या कर रहे हैं, सोचिए ज़रूर। नंबर 6 पर आती है मूवी मद्रास कैफे। ये एक एक्शन थ्रिलर मूवी है जिस फिल्म को 2013 में रिलीज किया गया था। इस फिल्म को डायरेक्ट किया था सुजीत सरकार ने। इस फिल्म में जॉन अब्राहम और नरगिस फाकर जैसे कलाकार मौजूद हैं। इस फिल्म की कहानी हमारे राजनीतिक सच्चाई और उसके कालेपन को उजागर करती है। ये फिल्म आपको हर हाल में देखनी चाहिए, क्योंकि ये काफ़ी अच्छी मूवी है। साथ ही इसमें जॉन अब्राहम का काम भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। अगर बात करें IMDb रेटिंग की, तो इस फिल्म को IMDb पर 7.7/10 स्टार्स की एक बहुत अच्छी रेटिंग दी गई है। नंबर 7 पर आती है मूवी रॉ, रोमियो अकबर वॉल्टर। इस फिल्म को 2019 में रिलीज किया गया था। इस फिल्म को डायरेक्ट किया था सुजीत सरकार ने। ये काफ़ी अच्छी मूवी है। इस फिल्म की कहानी हमारे देश के वीर सपूत रविंद्र कौशिक जी के जीवन पर आधारित है, मगर दुर्भाग्य की बात तो ये है कि उन्हें अपने बलिदान के लिए ना देश का नाम मिला और ना ही किसी का साथ। इस फिल्म में कुछ एक चीज़ें बदली गई हैं। जैसे कि मैं आपको बता दूं, इस फिल्म में रविंद्र कौशिक जी के नाम को बदलकर रहमान उल्ला अली रखा गया है, जो कि एक बैंक में काम करते हैं और बाद में रॉ ज्वाइन करते हैं। उसके बाद जो भी होता है वो पूरा देश जानता है। उनकी कहानी अलग ही है। ये आपको देखना बिल्कुल बनती है और काफ़ी अच्छी मूवी है। इसे IMDb पर 6.5/10 स्टार्स की रेटिंग मिली है। तो IMDb लव यू। इतनी घटिया रेटिंग सिर्फ तुम जैसा ही कोई दे सकता है, बिकॉज ये मूवी काफ़ी अच्छा डिजर्व करती है। नंबर 8 पर आती है मूवी सुपर डिलक्स। ये एक डार्क कॉमेडी मिस्ट्री थ्रिलर मूवी है जिसे 2019 में रिलीज किया गया था, जिसे डायरेक्ट किया था त्याग अर्जुन कुमार राजा ने। ये फिल्म हाल में तो हिंदी में अवेलेबल नहीं है, लेकिन आप इसे इंग्लिश सबटाइटल के साथ देख सकते हैं। ये फिल्म विजय सेतुपति की बेहतरीन फिल्मों में से एक है। इसमें उनका काम बेहद ही लाजवाब है। इस फिल्म की कहानी जानने के लिए आपको फिल्म देखनी होगी, क्योंकि मैं यहाँ बताकर गाली बिल्कुल नहीं खाना चाहता। इस फिल्म को IMDb पर 8.4/10 स्टार्स की काफ़ी अच्छी रेटिंग दी गई है। अब नंबर 9 पर आती है मूवी ट्रैप्ड। ये एक थ्रिलर ड्रामा मूवी है जिसे 2016 में रिलीज किया गया था। इसे लिखा और डायरेक्ट किया था विक्रमादित्य मोटवानी ने। इस फिल्म में लीड एक्टर के तौर पर राजकुमार राव है। उनकी एक्टिंग इस फिल्म में बेहद ही शानदार है। मतलब उन्होंने बता दिया कि वो किस दर्जे के एक्टर हैं, मतलब मैं मान गया उनको। इस फिल्म की सबसे बड़ी खासियत यह है कि आपको 90% फिल्म सिर्फ एक कमरे में दिखाई दे आएगी, और वो भी सिर्फ एक एक्टर के थ्रू, जो पूरी फिल्म को आगे तक ले जाते हैं। माना कि फिल्म में आपको कहीं कहीं झुलाव दिखेगा, मतलब हो सकता है आपको फिल्म कहीं कहीं बोर करे, क्योंकि एक ही तरह के सीन आपको देखने को मिलते हैं। लेकिन अगर आप इंटरेस्ट के साथ इस मूवी को देखें, तो सच में ही आपका दिल जीतने वाली बेहद ही शानदार थ्रिल से भरपूर बहुत ही अच्छी मूवी है। इस फिल्म को IMDb पर 7.5/10 स्टार्स की रेटिंग दी गई है। अब नंबर 10 पर आती है मूवी खोज। खोज एक बंगाली मूवी है जिसे आप सबटाइटल के साथ देख सकते हैं। ये एक बहुत ही कमाल की मिस्ट्री थ्रिलर मूवी है जिसे 2017 में रिलीज किया गया था। इस फिल्म को लिखा और डायरेक्ट किया है अर्का गांगुली ने। इस फिल्म की तारीफ मैंने बहुत से लोगों के मुंह से सुनी है, और बहुत से लोगों ने इस फिल्म के लिए मुझे सजेशन दिए थे, लेकिन अभी तक चूंकि मैं इस फिल्म को नहीं देख पाया, इसलिए इसकी कहानी के बारे में ज़्यादा बताना मुश्किल है। लेकिन अगर आपने ये फिल्म देखी है तो कैसी है, किस तरह की है, मुझे भी ज़रूर बताइएगा। मैं आपका कमेंट सेक्शन में इंतज़ार करूँगा। आपको बता दें IMDb पर इस फिल्म को 6.8/10 स्टार्स की एक अच्छी रेटिंग दी गई है। अब नंबर 11 पर आती है मूवी 5। ये फिल्म 2003 में यूट्यूब पर रिलीज़ की गई थी, क्योंकि इस फिल्म को कोई भी डिस्ट्रीब्यूटर डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए तैयार नहीं था, क्योंकि अनुराग कश्यप एक अननोन डायरेक्टर थे, और साथ में उनकी दूसरी फिल्मों में भी या फिर इस फिल्मों में ज़्यादातर जो भी एक्टर्स होते थे वो अननोन होते थे, क्योंकि स्टार किड्स होते नहीं थे, इसलिए उनकी फिल्मों पर लोग भरोसा नहीं करते थे। ये फिल्म मेरी कुछ फेवरेट फिल्मों में से एक है, और साथ में केके मेनन का काम इस फिल्म में बहुत शानदार है। बात करें IMDb रेटिंग की, तो इस फिल्म को 7.7/10 स्टार्स की बेहद लाजवाब रेटिंग मिली है। माफ़ करना, मैं आपको स्टोरी बताना भूल गया, लेकिन स्टोरी आपको मूवी में ही मिलेगी। अब नंबर 12 पर आती है मेरी वन ऑफ द फेवरेट मूवी सात उचक्के। सात उचक्के एक कॉमेडी मिस्ट्री थ्रिलर मूवी है जो बहुत ही कमाल की है। इस फिल्म के सभी एक्टर्स एक से बढ़कर एक हैं, जैसे केके मेनन, विजय राज, मनोज बाजपेयी और अनु कपूर जैसे शानदार एक्टर्स इस फिल्म में शामिल हैं।
ये फिल्म कुछ आवारा दोस्तों की मस्ती, साथ में दो प्रेमियों की प्रेम कहानी और साथ में लाइफ हकीकत में होती क्या है उसकी कहानी है। मुझे बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता कि IMDB पर इस फिल्म को 5.7 आउट ऑफ 10 स्टार्स की रेटिंग मिली है, लेकिन ये फिल्म हमेशा हमेशा मेरे लिए 8 आउट ऑफ 10 स्टार्स से भी ज़्यादा बढ़कर रहेगी, क्योंकि ये फिल्म बेहद ही शानदार है। तो दोस्तों यही थी हमारी टॉप 12 मिस्ट्री थ्रिलर मूवीज। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। और इस वीडियो में हमने 12 फिल्में रखी है, तो मैं उम्मीद करता हूँ आप 120 लाइक्स तो ज़रूर देंगे यार, इतना तो बनता है। मतलब आप कुछ भी करो, मतलब 120 लाइक तो बनते हैं। तो बस इसी के साथ थैंक यू सो मच एंड गुड बाय।